बटरफ्लाई स्मार्ट वेट ग्राइंडर बेस्ट सेलिंग वेट ग्राइंडर की लिस्ट में नंबर वन पोजीशन पर है वहीं पर बटरफ्लाई राइनो प्लस वेट ग्राइंडर बेस्ट सेलिंग वेट ग्राइंडर की लिस्ट में नंबर टू पोजिशन आरोप कंपैरिजन से पहले मैं इन दोनों वेट ग्राइंडर्स का कंप्लीट और डिटेल रिव्यू करूंगा ताकि हम इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेज है उनको ध्यान से समझ सके सबसे पहले बात बटरफ्लाई स्मार्ट वेट ग्राइंडर की करते हैं इस वेट ग्राइंडर की कैपेसिटी टू लीटर है और इसमें वन हंड्रेड की मोटर का इस्तेमाल किया गया है इसकी मोटर पर कॉपर वाइंडिंग की गई है जो कि बहुत अच्छी बात है इस वेट ग्राइंडर का वेट 11 के है जॉर मटेरियल की बात करूं तो वो हमें गुड क्वालिटी स्टेनलेस स्टील का दिया गया है इस वेट ग्राइंडर की बॉडी ए प्लास्टिक की है जो की शॉप प्रूफ है इसमें हमें अनब्रेकेबल लिड दी गई है जो की पॉली कार्बोनेट मेटेरियल की बनी है इस वेट ग्राइंडर में ग्राइंडिंग के लिए टू सिलेंड्रिकल स्टोन दिए गए हैं विच आर ड्यूरेबल एंड एफिसियंट एंड मेक्स बेटर सॉफ्ट इस वेट ग्राइंडर में कॉर्ड लेंथ 180 सेंटीमीटर दी गई है इस वेट ग्राइंडर में हमें ओवरलोड प्रोटेक्टर

वन ये वेट ग्राइंडर काफी अफोर्डेबल है और इसके प्राइस के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है देखने में ये वेट ग्राइंडर काफी अट्रेक्टिव है और इसकी वर्किंग भी काफी अच्छी है ये वेट ग्राइंडर आपको अप्रोक्सीमेटली थर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज में मिल जाएगा अपडेटेड प्राइस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ पर आप कस्टमर रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं अब हम बटरफ्लाई राइनो प्लस वेट ग्राइंडर का रिव्यू करते हैं इस वेट ग्राइंडर की कैपेसिटी टू लीटर है और इसकी पावर है वन हंड्रेड इसमें भी कॉपर वाइंडिंग की मोटर यूज की गई है इसका वेट

मोटर इन साइड एज वेल एज होल्ड द सिलेंडर इंटेक्ट एंड सपोर्ट इट स्पीड रोटेशन इस वेट ग्राइंडर में हमें आटा नीडर और कोकोनट स्क्रैपर साथ में दिया गया है जो कोकोनट स्क्रैपर साथ में दिया गया है इट कैन स्क्रैप द दीट शेल विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन इस वेट ग्राइंडर में हमें ओवरलोड प्रोटेक्टर दिया गया है ओवरलोड प्रोटेक्टर प्रोटेक्ट द ग्राइंडर फ्रॉम एक्सीडेंट्स ड्यू टू ओवरलोडिंग एंड ओवरहीटिंग इस वेट ग्राइंडर पर हमें टू ईयर्स वारंटी मिलती है और इस वेट ग्राइंडर का अप्रोक्समेट प्राइस है रुपीज थर्टी एट हंड्रेड मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है अपडेटेड प्राइस और कस्टमर रिव्यूज आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं अगर मैं नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो ये वेट ग्राइंडर थोड़ा सा नाइजी है लेकिन अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो इसमें बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं नंबर इस वेट ग्राइंडर का प्राइस काफी कम है और इसकी बिल्ड क्वालिटी इसके प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी है अब मैं बटरफ्लाई स्मार्ट वेट ग्राइंडर का कम्पेरिजन बटरफ्लाई राइनो प्लस वेट ग्राइंडर के साथ करता हूँ सबसे पहले बात इन दोनों वेट ग्राइंडर के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की करते हैं बटरफ्लाई स्मार्ट वेट ग्राइंडर और राइनो प्लस वेट ग्राइंडर दोनों का डिजाइन एक जैसा है और दोनों की बिल्ड क्वालिटी भी एक जैसी है ये दोनों वेट ग्राइंडर कम्पैक्ट है इनका डिजाइन स्लीक है और इनकी बॉडी स्टडी है ये दोनों वेट ग्राइंडर हाई क्वालिटी एबीएस प्लास्टिक के बने हैं लेकिन जो बटरफ्लाई राइनो प्लस वेट ग्राइंडर है वो थोड़ा सा हैवी है जबकि बटरफ्लाई स्मार्ट वेट ग्राइंडर थोड़ा सा लाइट वेट है इसलिए अगर आप एक लाइट वेट वेट, वेट ग्राइंडर ढूंढ रहे हैं तो बटरफ्लाई स्मार्ट वेट ग्राइंडर आपके लिए है अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ तो ये दोनों वेट ग्राइंडर टू लीटर कैपेसिटी के इसलिए स्मॉल और मीडियम साइज फैमिली के लिए ये दोनों वेट ग्राइंडर अच्छे रहेंगे अगर मैं ग्राइंडिंग स्टोन की बात करूँ तो बटरफ्लाई स्मार्ट वेट ग्राइंडर और बटरफ्लाई राइनो प्लस वेट ग्राइंडर इन दोनों में हमें हाई क्वालिटी ग्रेनाइट स्टोन दिए गए हैं ये स्टोन काफी एफिशिएंट है और हमें स्मूथ ग्राइंडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं अगर मैं इनकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो प्राइस के हिसाब से वो काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन अगर मैं साइज की बात करूं तो बटरफ्लाई स्मार्ट वेट ग्राइंडर थोड़ा सा स्मॉल है जबकि बटरफ्लाई राइनो प्लस वेट ग्राइंडर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए अगर आप एक तो बटरफ्लाई स्मार्टेडर आपके लिए तो बटरफ्लाई स्मार्टेडर थोड़ा सा बटरफ्लाई राइनो प्लस वेट ग्राइंडर के, के कम्पेरिजन में अगर मैं इज ऑफ यूज की बात करूं तो इन दोनों वेट ग्राइंडर में जो ग्राइंडिंग स्टोन है हम उन्हें इजिली रिमूव कर सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं मोर ओवर इन दोनों वेट ग्राइंडर के साथ हमें यूजर मैनुअल मिलती है जिस पर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इन दोनों वेट ग्राइंडर को हमने किस तरह से मेंटेन करना है वहीं पर अगर मैं प्राइस की बात करूं तो बटरफ्लाई वेट ग्राइंडर लगभग सस्ता है बटरफ्लाई राइनो प्लस वेट ग्राइंडर के कंपेरिजन में इसलिए अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का वेट ग्राइंडर कम प्राइस में ढूंढ रहे हैं तो बटरफ्लाई स्मार्ट वेट ग्राइंडर आपके लिए है अब मैं कंक्लूड करता हूँ की कि किन लोगों को बटरफ्लाई स्मार्ट वेट ग्राइंडर परचेज करना चाहिए और किन लोगों को बटरफ्लाई राइनो प्लस वेट ग्राइंडर लेना चाहिए अगर आप एक कम्पैक्ट वेट ग्राइंडर ढूंढ रहे हैं जिसमें बैटर जल्दी प्रिपेयर हो जाए जो लाइट वेट हो और काफी अफोर्डेबल हो तो बटरफ्लाई स्मार्ट वेट ग्राइंडर आपके लिए बेस्ट रहेगा और देखने में ये काफी है ये वेट ग्राइंडर आपके किचन की ब्यूटी को और इंक्रीज करेगा लेकिन अगर आप थोड़े से बड़े साइज का वेट ग्राइंडर परचेज करना चाहते हैं जो थोड़ा सा हैवी भी हो और जिसके साथ आपको ऑटो नीडर भी साथ में मिले तो बटरफ्लाई राइनो प्लस वेट ग्राइंडर आप के लिए बेस्ट रहेगा इसके प्राइस के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है और इसकी वर्किंग भी काफी ज्यादा अच्छी है और ये वेट ग्राइंडर अपने प्राइस में मिलने वाले दूसरे वेट ग्राइंडर के कम्पेरिजन में काफी अच्छा है मैंने इन दोनों वेट ग्राइंडर के बेस्ट बाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं जो परचेज करना चाहते हैं उस लिंक से परचेज कर सकते हैं अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू